तो दोस्तों ये जो साइड है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लगी हुई है। वहीं आप ये देख रहे होंगे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के। सुल्तानपुर रोड यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल बिजनेस प्रमोशन में। दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए हैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ प्लॉट्स की जानकारी। ये जो प्लॉट्स हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लगी हुई साइड है। आप हमारे साथ अवनीश कुमार शाही जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अवनीश जी सबसे पहले जानते हैं कि आपकी साइड का क्या नाम है और आपकी कंपनी का क्या नाम है। हमारी कंपनी का नाम साई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है जी। हमारी जो ये साइट है पूर्वांचल ग्रीन्स के नाम से, पूर्वांचल ग्रीन्स के नाम से इस साइट का जो ये नाम है प्रोजेक्ट है। अगर बात करें हम लोग किस लोकेशन पर हैं आज, तो हम लोग कहाँ पर हैं थोड़ा उसके बारे में आप देख सकते हैं कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे, जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू हो रहा है जी, इसके सर्विस लेन पे हमारी ये साइट है। यहाँ से सुल्तानपुर रोड की डिस्टेंस मात्र 500 मीटर है, 500 मीटर की दूरी पर है और ये सर्विस लेन से लगा हुआ प्रोजेक्ट। सर्विस लेन पे सबसे पहली साइट अपनी ही है, जहाँ सर्विस लेन लखनऊ से शुरू हो रही है, इस पर सर्विस लेन पे सबसे पहली साइट आप ही की पूर्वांचल पे, सबसे पहली साइट। अच्छा, अगर बात करें यहाँ से कुछ खास डिस्टेंसेस की, जैसे कि आपका यहाँ से अगर HCL की बात करें तो कितनी दूरी पे होगा? अप्रोक्स 4 किलोमीटर है, 4 के आसपास में आपका HCL होगा। वहीं अगर बात करें आपका क्रिकेट स्टेडियम कितनी दूरी पर होगा? 1.5 किलोमीटर और मान लीजिए 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर के आसपास में होगा। वहीं अगर बात करें यहाँ से जो आप जो आउटर रिंग रोड निकल रहा है जो कि पूरे लखनऊ को कनेक्ट कर रहा है, वो कितने किलोमीटर पे होगा? 2 किलोमीटर है यहाँ से आउटर रिंग रोड, 2 किलोमीटर आउटर रिंग रोड 2 किलोमीटर के आसपास में होगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो आपके प्लॉट साइजेस हैं, वो क्या क्या साइजेस के प्लॉट्स आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं? यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज रखा है 1,000, 1,250, 1,500 और 2,000। अगर बात करें कि हैरान कितनी होगी प्लॉट की? 50, सारे जितने भी प्लॉट्स हैं हमारे 50 के हैं। वहीं अगर यहाँ पर अगर आपने जो प्लॉट्स के जो फेस निकाले हैं वो किस फेस के प्लॉट्स? सारे प्लॉट्स हमारे ईस्ट एंड वेस्ट फेस के हैं, ईस्ट एंड वेस्ट फेस के हैं। इस ग्राम सभा का क्या नाम लगता है? महुआ ग्राम सभा है ये। अच्छा, मोहनलालगंज तहसील के अंदर आता है। और हम आपने यहाँ पर किसी अप्रूवल के लिए भी यहाँ पर डाला हुआ है? मैंने जिला पंचायत में अप्रूवल के लिए मैंने दे रखा है। आपने अभी डाल रखा है, मतलब अभी अप्रूव नहीं हुआ है लेकिन आपका अभी हो जाएगा, कब तक होगा? बस में गया, थोड़ा टाइम लगता है। लगभग कितना टाइम लग जाएगा? 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। आपकी जो मौके पे अभी जो रजिस्ट्री है वो कितने बीघे की है, या फिर आपकी ये जो साइड है कितने बीघे की आप कर रहे हैं? 6 बीघे की रजिस्ट्री है हमारे पास। और ये रजिस्ट्री किसके नाम पर है? मेरे नाम पे है, यानी कि आप ही के नाम पर है। और जो इसका जो साइड का जो फ्यूचर एक्सटेंशन है वो कितना बीघे का दे जा रहे हैं? फ्यूचर एक्सटेंशन यहाँ पे 25 से 30 बीघे का फ्यूचर एक्सटेंशन, 25 से 30 बीघे आसपास में आप इसको करेंगे। ये जो आपकी जो सोसाइटी रहेगी इसको क्या आप गेटेड सोसाइटी करके देंगे या कैसा, मतलब इस पे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप अगर बात करें उन सुविधाओं की? पूरी तरीके से गेटेड सोसाइटी बना रहा है इसमें। रोड बना, डामर रोड देंगे, नाली देंगे, स्ट्रीट लाइट देंगे, सिक्योरिटी गार्ड देंगे पूरी तरीके। अगर रोड की अगर बात करें यहाँ पर, तो कितने फीट की आपकी जो रोड आएंगी वो कितने? हमारी जो मेन रोड है ये 35 फीट चौड़ी सड़क है, अंदर का जो एंट्रेंस रोड है 35 फीट का है। वहीं अगर ब्लॉक्स तक की रोड की बात करें तो कितने फीट का? हमारा 30 फीट का है। 30 फीट का है। यहाँ पर लोन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ, लोन अवेलेबल है यहाँ पे, इसलिए लोन प्रोवाइड होगा, P+C का लोन यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर इमीडिएट रजिस्ट्री और इमीडिएट पोजीशन है, या फिर आप पहले आप रजिस्ट्री कराइए, तुरंत पोजीशन मिलेगा, तुरंत पोजीशन मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ की जो रजिस्ट्रियाँ होती है वो कहाँ पर होती है? मोहनलालगंज तहसील में होती है, मोहनलालगंज तहसील में होती है। शाही जी अगर बात करें यहाँ पर की आसपास में जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ATM ये कितनी दूरी पर है, या फिर आसपास की लोकेलिटी की अगर थोड़ा यहाँ के बारे में समझाएं कि ये लोकेशन के आसपास में क्या क्या चीजें हैं बेहतर समझने में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम शहीद पथ से होके आ रहे हैं सुल्तानपुर रोड पे, शहीद पथ से लेकर सुल्तानपुर रोड पे जहाँ तक अपनी ये साइड है, हमारे बीच में 7 इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते हैं। अच्छा, जिसमें आपका सरोज है, SMS है, TDL है, ITD है, शारदा है, ऐसे करके 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारी साइड के अगल बगल में। अच्छा, जो यहाँ पे हमारी साइड के आने के बीच में 3 किलोमीटर के रेडियस में ये पड़ता है। मैं अभी उसमें ये सब चीजें ऐड भी कर दूंगा जो वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे कि क्लिप में ऐड कर दूंगा, समझने में लोगों को आसानी होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ से अगर लोकल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पे लोगों को कितनी दूरी पे जाना? लोकल मार्केट बिल्कुल आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे, 500 मीटर के डिस्टेंस में आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका गोसाईगंज मार्केट है। आप इधर चले जाएंगे तो आपका ये क्या नाम है, कबीरपुर मार्केट है। कबीरपुर मार्केट आप इधर चले जाएंगे तो बिल्कुल शहीद पथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे हमारा जो लोकल मार्केट लगता है। वहीं अगर बात करें शाही जी की यहाँ पर, क्या तुरंत घर बना करके तुरंत रहा जा सकता है कि क्या उस लाइक है ये सोसाइटी यहाँ पर? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे जस्ट इतने सारे मकान बने पड़े हैं। किस चीज का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये जो रॉ हाउसेस बन रहे हैं किसका प्रोजेक्ट है यहाँ पर? हजरतगंज हलवाशिया वालों का ये प्रोजेक्ट है। ज्यादा रॉ हाउसेस बन रहे हैं यहाँ पर, ये 450 से ऊपर रॉ हाउसेस बन रहे हैं, 450 से ऊपर रॉ हाउसेस बन रहे हैं, यानी यहाँ पर जो है तुरंत रहा जा सकता है। जी, ये लोग लाइट का आपका जो प्रावधान है वो आप कब तक यहाँ पर? लाइट बिजली सब हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे भी हम अपना रोड बनाएंगे तुरंत
साथ बिजली खंभा दे करके हम लाइट वो कर देंगे। अच्छा तो दोस्तों अवनीश कुमार शाही जी ने यहाँ पर आपको साइट से रिलेटेड सभी जानकारियां दी हैं। साइट बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगी हुई साइट है, सर्विस लेन के पास की साइट है। अगर वहीं सुल्तानपुर रोड की बात करें तो 500 मीटर पे आपको सुल्तानपुर रोड मिल जाता है। चलते हैं दोस्तों साइट का एक व्यू देखते हैं कैसी ये साइट है आसपास की। मैंने इसमें कुछ क्लिप्स भी ऐड किए जो रास्ते की हैं जिससे आपको बेहतर समझने में आसानी हो। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है शहीद पथ से वीडियो जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका स्टेडियम है इकाना स्टेडियम, और उसके बाद में अभी हम लोग आगे चल रहे हैं तो ये आप देखेंगे पलाशियो मॉल है। पलाशियो मॉल से जब हम आगे निकलते हैं तो ये आपका जो है राइट साइड में पार्क की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वहीं आप थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से पलाशियो से आगे बढ़ते हैं तो ये वहाँ का व्यू है। कुछ आगे चलते हैं तो ये आपका जो है आगे चलने पर ये ट्रिपल आईटी है यहाँ पर, ये आईटी हब है यहाँ पर। इससे आगे थोड़ा सा जब निकलते हैं तो हमें यहाँ पर सीधा मिल जाता है एचसीएल, और उसके बाद में हमें जो मिलता है वो मिलता है आपका सुल्तानपुर रोड। और अब हम लोग सुल्तानपुर रोड पर हैं अमूल, यहाँ से हम क्रॉस करते हुए आगे निकलते हैं। आउटर रिंग रोड के पास में हमारी जो है ये साइड है, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यहाँ से जो दूरी है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है, और वहीं पे ही आपको जो है हमारी ये साइड जो है मिल जाती है। अभी हम लोग आ चुके हैं सुल्तानपुर रोड पर, और सुल्तानपुर रोड से जब हम लोग चलते हैं साइड की तरफ तो ये हमें रास्ते में कुछ लैंडमार्क्स हैं जो मिलते हैं। वहीं पे आप देख रहे होंगे ये अभी जो है आपका आ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहाँ से जो दूरी है साइड की वो लगभग 500 से 600 मीटर है, अगर आप एग्जैक्ट नापेंगे यहाँ से तो साइड की दूरी इतनी आपको पड़ेगी। वहीं पे ही फिर आप देखेंगे अब हम लोग आ चुके हैं सर्विस लेन पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, और अब हम लोग जो है लखनऊ की तरफ में जैसे जा रहे हैं तो ये हमें राइट हैंड साइड पे ही यहाँ पर जो है हमारी ये जो साइड है वो मिल जाती है। सामने देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो ब्लू बोर्ड लगे हुए हैं इन पे लिखा हुआ है कि यहाँ से जो दूरी है चांसराय उसकी जो जहाँ से स्टार्ट होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 500 मीटर है वहाँ से। ये आप साइड कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिलती है। दोस्तों अगर साइट की बात करी जाए तो यहाँ पर जो आपको ज़मीनें मिलती हैं वो सब जो है दाखिल खारिज ज़मीनें मिलती हैं। साइट बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। सबसे अच्छी बात है कि ये सर्विस लेन से लगी हुई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, और ये जो है आपकी इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लखनऊ की तरफ से पहली जो है प्लॉटिंग की साइट है यहाँ पर। ये पीछे आप देख रहे होंगे ये जो है हलवासिया के यहाँ पर जो है 400-500 मकानों का प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है, ये भी बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो प्लॉट के साइजेस मिलते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट मिनिमम साइज़ मिलता है प्लॉट का। वहीं अगर आप देखेंगे इसको कि यहाँ की जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो तुरंत हो जाती हैं, और मोहनलालगंज में यहाँ की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, इमीडिएट रजिस्ट्री इमीडिएट पोजीशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपको जो गहरान मिलती है वो 50 की गहरान यहाँ प्लॉट पर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ प्लॉट्स पूर्व पश्चिम और यहाँ पर जो है कॉर्नर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है, और यहाँ पर आप एक बार विजिट करके साइट को देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस का बोर्ड भी लगा। यहाँ का जो रेट रखा हुआ है वो क्या रेट चल रहा है आपका यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स? यहाँ पे हमने बहुत ही स्टैंडर्ड रेट रखा हुआ है, जितने भी अगल बगल जितनी भी सोसाइटीज चल रही हैं, जितने भी प्लॉट्स बिक रहे हैं, सबसे रिजनेबल रेट हमारी साइट का है। यहाँ मात्र 1499 रुपए में हम ये साइट बेच रहे हैं। 1499 रुपए में आप ये साइट बेच रहे हैं। आपसे एक और मेरा ये सवाल था कि जैसे अगर कोई आपके यहाँ पर बुकिंग का क्या प्रोसेस है यहाँ पर? सर देखिए, बुकिंग का प्रोसेस हमारा ये है कि आप अपना बुकिंग टोकन अमाउंट जो भी हो 25,000, 50,000, 1,00,000 डाल करके तो अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं। उसके बाद आप अपना प्लॉट रजिस्ट्री करा लीजिए और तुरंत बाउंड्री करा लीजिए अपना प्लॉट। अगर इन केस अगर कोई कस्टमर के यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाती है, उसने टोकन भी दे दिया और उसको नहीं लेना है प्लॉट, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट दिया होता है वो अमाउंट उनको आप रिफंडेबल करते हैं? बिल्कुल, हम उनको रिफंडेबल करते हैं, कोई चार्जेस हम कट नहीं करते हैं उससे। अच्छा, एक और मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे कि अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर हैं, लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं कि एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के पास में प्लॉट नहीं लेनी चाहिए, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब क्या आपकी सेफ साइड है यहाँ पर, उसको कैसे आप ये चीज प्रूव करते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी साइडें हैं, जितनी भी साइडें टाउनशिप्स बनी हुई हैं जो मेन रोड से अंदर हैं, उनमें जाने के लिए तमाम तरह के रास्तों का दिक्कत आता है। हमारी साइड तो मेन एक्सप्रेसवे पे, आप सीधे एक्सप्रेसवे से उतरिए, आप अपने घर में आ जाइए। कहने का मतलब है यहाँ पर किसी तरीके का गवर्नमेंट से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? गवर्नमेंट के किसी भी ऑब्जेक्शन क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, ये रेजिडेंशियल एरिया में? बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में है, ये आर जोन में है। कई लोगों का बोलना होता है कि भाई एक्सप्रेसवे की पूर्वांचल सर्विस लेन पे है तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो वो लोगों के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है दिमाग। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो, क्योंकि हमारी साइड पे जितने भी लोग प्लॉट्स लिए हैं सारे अच्छे लोग लिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग लिए, अधिकारी लोग लिए हैं, और कोई भी छोटा प्लॉट यहाँ नहीं लिया। जो भी लोग 4,000-5,000 स्क्वायर कोई भी एलडी है, किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं आई? कोई आपत्ति नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक आती रहे। धन्यवाद।